हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर एक की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या है कि जेड इक्वल माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री का मापांक ज्ञात कीजिए और कोणांक ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास, तो हमें पहले मापांक, मापांक के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। यहाँ जेड इक्वल में क्वेश्चन दे रखा है माइनस आयोटा रूट थ्री, ये है। इसके साथ कंपेयर कर लो एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ, यानी एक्स का मान हमारे पास क्या हो गया माइनस वन और वाई का मान माइनस के रूट थ्री, यही है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मापांक, तो आर इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर बराबर माइनस वन का स्क्वायर प्लस रूट सॉरी माइनस रूट थ्री का स्क्वायर को सॉल्व करूंगी, तो ये 1 + 3 यानी 4 रूट में, यानी कि 2। अब प्लस माइनस 2 आएगा, मापांक है यानी कि ये आपके पास दूरी के लिए, तो ये मेरे पास 2 ही निकल के आएगा। क्लियर, ये तो हुआ मापांक। अब बात करते हैं कोणांक के लिए यानी थीटा के लिए। जब कोणांक की बात करेंगे तो हमें ये चेक करना है कि माइनस वन है और माइनस रूट थ्री है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तीसरे में, यानी कि ये पॉइंट अगर माइनस वन कौन से क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे में मैंने थीटा इक्वल क्या बताया माइनस के पाई माइनस अल्फा, ये मैंने बताया था। तो सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू याद करनी है, तो अल्फा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये है अल्फा इक्वल टेन इनवर्स वाई की वैल्यू मेरे पास माइनस के रूट तीन और माइनस का वन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टेन इनवर्स रूट तीन, अल्फा इक्वल टेन इनवर्स ये टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू, ये तो हमारे पास, तो टेन से टेन कट कैंसिल हो गए, अल्फा इक्वल पाई बाई थ्री। लेकिन हमें तो क्या करना है, कोणांक ज्ञात करना है। कोणांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल, तो यहाँ कोणांक यानी थीटा इक्वल माइनस पाई माइनस अल्फा, ये है, तो थीटा इक्वल माइनस पाई बाई थ्री, ये आएगा थीटा इक्वल माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3, तो थीटा कितना आ जाएगा माइनस के 2y/3, तो दिस इज कोणांक, और ये हमारे पास क्या है आयाम। तो हमारे पास कोणांक और आयाम पूछा था, और ये हमारे पास कोणांक और आयाम।